बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का वीलॉग एक खास, बहुत ही खास शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं। दोस्तों आपने स्टेज ड्रामा कॉमेडी देखी होगी, पाकिस्तान में जो एक्टर होते हैं वो बहुत ही कमाल की कॉमेडी करते हैं और माना यह जाता है कि जो स्टेज की एक्टिंग कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको आज शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से दोस्तों थिएटर हैं वो बंद हैं अभी भी ओमिक्रॉन की वजह से। तो वो यहाँ पे आए हैं बॉर्डर में, मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने शोज़ करते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि गरीबी हर बंदे को कहती है कि बस मैंने खाना ही खाना है। तो उनके बहुत से मशहूर ड्रामे जफरी खान साहब के साथ भी हैं और सुहेल साहब के साथ उनका ऐड है जो सूरज बाबा इन्वर्टर वाला, जो आपने देखा होगा। तो दोस्तों आज उनसे हम उनका स्किट भी देखेंगे। हमें पता चला है कि वो यहाँ पे बॉर्डर पे किसी स्कूल के करीब आए हैं, स्कूल में आए हैं, तो हम उसका उनका वो स्किट भी देखेंगे, शो भी देखेंगे और फिर उनसे थोड़ी बहुत मुलाकात भी करेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें और आखिर तक वीडियो को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं हम। चलिए दोस्तों अब वहाँ पर स्कूल में मुलाकात होगी, आपने मेरे साथ रहना है। वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना जफर कोडू, ड्रामा फिल्म टीवी स्टेज आर्टिस्ट। अच्छा तो जी जफर भाई, तुसी आ दसो साड़ी व्यूवर्स को, आप ये बताएं कि आप ये ड्रामा इंडस्ट्री में लाइन में कैसे आए आप? सर मेरा एक दोस्त था, मैं लाहौर में नस के गया था जी। ठीक है ठीक है। उधर मेरा एक दोस्त था, वो और मैं मिलकर काम करते थे जी, नान चने बेचते थे। सही। जो नान चने बेचते रहे कोई 4-5 महीने में उनके कोल काम करता रहा। उस तो बाद वो बेचारा फौत हो गया। तो एक दिन माँ मैनू मिली, बुजुर्ग है गए सन, वो कहते पुत्र किधर जा रहे हैं? मैं क्या जी घर जा रहा माँ जी। वो कहते तेरी शादी ना कर दईए? मैं क्या जी कर दी। कहती तेरी शादी तो असं कर देंगे पर सानू की देगा? मैं क्या जी मैं दुआवें ही दे सकना, तुहानू और की देंगा। ठीक है। तो अल्लाह ने सुन ली जी मेरी, सुल्तान रही थी हम शक्ल एक करैक्टर मैनू मिलया जी, वह मैनू ड्रामिया च फिल्मा च लै गया। ठीक है। वह कहता जाना ही फिल्मा च? मैं क्या नहीं यार फिल्मा की होंगे, छड़ परा मैं नहीं फिल्मा जाता। लेकिन वो जो मैं स्टूडियो के अंदर लै गया जिथे फिल्मा बन दियाँ जी, उत्थे मैं लै गया तो उत्थे मैं एक करैक्टर मिले, डायरैक्टर है असद बुखारी साहब। ठीक है। जेडे कहें कि यही बच्चा चाहिए, यही बच्चा चाहिए, यही बच्चा चाहिए जी। और मैं क्या सर मैनू भी तो दसो कि बच्चा चाहिए, क्यों चाहिए जी? कहते यार जो करैक्टर है ना वो तू करना। मैं क्या ठीक है। वह करैक्टर मैं किया, मैं शौक पै गया फिल्मा ड्रामिया काम करना लाजमी करना। वो जी मैं नहा धो के 4-5 बजे घरों निकलता सर, सब नाल सलाम दुआ लैंदा सर, सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम, इंज सर मेरी गलबात बन गई तो मैं फिल्म ड्रामिया दे विच काम करता रहा। अच्छा तुसी साडे व्यूवर्स नूं आ दसो कि तुसी मतलब साडे कोई मशहूर ड्रामे या कोई है जी? मेरा मशहूर ड्रामा रईस मशहूर है, पड़ोसन मशहूर है, चाय वाला मशहूर है, पीके मशहूर है, बाहुबली मशहूर है। अच्छा बाहुबली वो ना जो नसीम विक्की? हाँ जी नसीम विक्की दे नाल, नसीम विक्की नाल मैं काम किया, इफ्तखार ठाकर नाल काम किया, मानुल्ला साहब नाल काम किया, बब्बू बरार साहब नाल काम किया, मस्ताना साहब नाल काम किया, उधर फिल्म लैन दे विचों मुस्फा कुरैशी नाल काम किया, गुलाम मईउद्दीन नाल किया, शान नाल किया, रैम्बो नाल किया, मोमर राणे नाल किया। जे जिन्हें भी पाकिस्तान के फनकार ने ना जी, ये बड़ा मुझे प्यार करते हैं, फनकारें भी और फनकार भी जो है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, इज्जत दे, शोहरत दे और कारोबार में बरकत डाले। आमीन। अब मैं दोस्तों कौन सी जगह में बैठा हूँ और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं जगह में बैठा हूँ। आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आप इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं और आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं समझ लो कि बिल्कुल इंडिया दे मैं कोल बैठा हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना ये इंडिया की जगह है, ये हमारे पाकिस्तान की जगह नहीं ये है, जीरो लाइन है। बिल्कुल मैं जीरो लाइन के ऊपर बैठा हूँ। ठीक है ठीक है। कोई भी दोस्त इंडिया देखना चाहे तो मेरे से राबता करे, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे ले जाऊंगा यहाँ पे मैं जी। दोस्तों ये आप सुन रहे हैं, इनके जो चैनल का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के नामवर एक फनकार है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो आप। तो आप ये बताएं हमारे दोस्तों को कि आप ये इस वक्त इस जगह पे क्या लेने आए हैं, कैसे आए हैं? मैं ऐसे आया था, किसी ने बुलाया था कि यार इधर शो करना है, प्रोग्राम करना है,
तो बच्चों को आसान है जी। तो मैं इसलिए ना इधर स्कूल है जी, ठीक है जी। उसके अंदर मैंने शो किया, बच्चों को साया, पूरा एंटरटेनमेंट किया, ठीक है। बच्चे खुश हो गए हैं मुझे देखकर और मेरा काम देखकर, और मुझे दुआएं दे रहे हैं। मुझे ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप फिर कब आएंगे, तो मैंने उनको कहा कि जब हमें दोबारा प्रिंसिपल बुलाएंगे तो हम फिर आएंगे जी लाजमी। तो जो आपका वो शो था वो भी मैंने ये चैनल के पे इंशाल्लाह डाल दूंगा, ये जो आपके वो शो है वो भी कॉपी मैंने किया है, वो भी इसके साथ लिंक करके डाल दूंगा। तो आपका शुक्रिया जी, आपने हमारे दोस्तों हमें टाइम दिया और आपने थोड़ा सा ये दोस्तों को बताया कि ये बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है जिस वक्त आप यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान का जो जीरो लाइन है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नजर आ रही है जहाँ पे आर्मी खड़ी है जीरो लाइन पे। जी जी सर, मैंने जी है दोस्तों, ये स्टेज सेट हो चुका है, तो अभी ये परफॉर्मेंस देखते हैं, मिलके उनके बाद इनका मजीद इंटरव्यू भी देखेंगे। आप देखिए स्टेज, ये आपने माँ बाप से प्यार करते दो जी। एक वो माँ बाप है जो आपको तैयार करके स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, वो तो भेज देते हैं। जब आप स्कूल में आते हो ना, इधर भी आपके माँ बाप हैं जो आपको पढ़ाते हैं ना सर, जो आपके उस्ताद हैं, सर हैं, टीचर हैं, ठीक है, जो आपके पढ़ाते हैं ना, उन माँ बाप से पढ़कर ये माँ बाप हैं आपके, जिन्होंने आपको लिखाना है, पढ़ाना है, बताना है कि सीधे रास्ते में जाना है, पूठे पे नहीं जाना, ठीक है ना। तो इनके लिए आप सबसे पहले दुआ मांगे कि अल्लाह पाक आपके सर को जिंदगी दे, तंदरुस्ती दे और इज्जत दे, आमीन, और कारोबार में बरकत डाले, आमीन। आपस में बातें नहीं करनी, मेरी बातें सुननी है, जो आपस में बातें कर रहे हैं वो बाहर चला जाए, चुपचाप सुनो यार, चुपचाप, क्योंकि ये सबसे बड़े आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको लिखाना है, पढ़ाना है और स्कूल जी आगे उगाया है, कुछ ना कुछ बनाना है। तो वो आपके घर वालों माँ बाप ने नहीं बनाना, वो इन्होंने बनाना है जिनके पास आप आते हो, ठीक है ना। तो मेरी ये बात जहन में रखना, आजकल जो है ना हालात, मुल्क के हालात जो है ना बड़े खराब हैं, ठीक है, उसमें भी मैं बात करता हूँ, किसी से कोई चीज नहीं लेनी, घर में जाना है, सीधा जाना है, स्कूल से छुट्टी हो घर में सीधा जाना है, कोई बुलाए उनकी गल नहीं सुननी, कोई चीज खुआए उनके को नहीं लैनी, ठीक है। जेड़ा तुहानू जानता है या पछाणदा है उनके नाल जाना है, उनके को चीज भी खा लेनी है, पी लेनी, ठीक है। जेड़ा नहीं जानता या तुहानू भुलेखे च पा रहे हैं, किसी वड्डे बंदे नूं बुलाओ कि जी सानू यह गल सुना रहे हैं, साडे नाल इंज कर रहे हैं, वो तुहाडे कोल आएगा वड्डा बंदा ते वो गल कर लेगा, समझ रहे हो जी। हुण फास्ट दौर है, फास्ट तुसीं पढ़दे हो स्कूल दे विच, जदों स्कूल तों तुसीं छुट्टी होनी है ना, स्कूले दे तुसीं तेज़ हो ही जांदे हो आके, जदों घर जांदे हो उदों भी तेज़ हो के जाणा है, ते किसे दी गल नहीं सुणदे, समझ रहे हो। सियाने सही कहते हैं, सब तो पहले तुहानू शेर सुनावांगे, उस तो बाद असीं काम शुरू करांगे। कहते ने कि राम गुराह ना पईए भावे पेंडा दूर होवे, फल खाइए मिठा भावे उच्ची लम्मी खजूर होवे, ते माँ प्यो नू कदी मंदा ना बोलीए भावे लख उहनां दा कसूर होवे, ते टुरदी फिरदी रन नाल ब्याह ना करिए भावे जन्नत दी हूर होवे। बच्चो बड़े दिन हो गए, बड़े महीने हो गए, मैं फोन करता सा ते सर जी कहंदे सन कि एक महीना और कढ़ो, मैं कहंदा सा ठीक है जी, ठीक है। हुण मैं फोन किया, सर कहंदे ने कि यार बच्चे मैनू बड़ा तंग कीती खलोते, ठीक है, ते सिर्फ तुहाडी वजह तो उन्होंने मैनू बुलाया कि बच्चे नूं थोड़ा इंटरमेंट मिल जाएगी, ठीक है, ते काम वेखना अल्लाह दे करम नाल तुहानू नवा काम देंगे, कुछ पुराना विखावांगे कुछ नवा विखावांगे, पहले हुण असीं नवा विखाण लगे हां फिर तुहानू पुराना विखावांगे, ठीक है जी। करिए शुरू, दो नारे लाने उस तो बाद तुसीं काम शुरू हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, चलो बेची दिया, हां मन बड़ी भूख लगी है, ते मैं की करां, मन रोटी खवा।
रोटी खवा जेड़ा भुखा बंदा आंदा शीदा ही लभे रोटी खवा रोटी खवा। ओ कोई गल नहीं अल्लाह पाक देंदा ते शीदा भी खांदा है ते शीदा अल्लाह पाक दे सारे सारे नु खवाएगा। जेड़ा भुखा होवे मैनू फोन करे मैं उन्हूं रोटी खवावांगा। सब तो वड्डी रोटी खवाण वाली रब की जात है। वह सुंदी भुखा उठाती फिर जाके ठीक है ते रोटी खानी है। हाँ? बिस्मिल्लाह की खाओगे बड़िया चीजा ने। अच्छा? बिरयानी चौल ठीक है खीर कस्टर आलू कीमा मटर कीमा कोरमा हर चीज ए लो जी। अरे दस्तर खान लाया जिथे बह के तू रोटी खानी है। अच्छा? हाँ की खा रही है रोटी तो बिस्मिल्लाह किने पढ़नी। ताड़िया ए टूटी किन्ने बंद खा रहे हो कीमा पानी दियो यार कितने गई बहुत पानी पीना तुहाडे नसीब ओ विचू निकल गया। तू मन रोटी खवाई है ना तेरी मेहरबानी। हां मैं तेरे वास्ते कुड़ी लेके आना वा। हैं ओ एक मिनट ओ वेखो मेरे वास्ते कुड़ी लैन गया जी। आजो 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 बाबा जी बाबा हैं ठीक है। हां कुड़ी वेख कुड़ी लेके आ। क्या बात है ओ कुड़ी किथे ही रोटी किथे ही। अच्छा कापी दे दे इस्लाम यार बैठ जाओ यार। चला गया फोन कर करके रह गया। ओए आ गया जी आ गया खबर वाला आ गया खबर बड़िया बड़िया चंगिया देना मैं खबर। अच्छा हाँ जी आज की ताजा खबर। अच्छा बगला और कां कट्ठे मारे गए। आज की ताजा खबर मुर्गी और मुर्गा मुर्गा चोरी हो गया और मुर्गी भी चोरी हो गई। आज की ताजा खबर मुर्गी चोरी हो गई मुर्गी शाही जख्मी है। आज की ताजा खबर बच्चों कोरोना खत्म हो चुका है। आज की ताजा खबर कभी सुना होगा आपने आज की ताजा खबर खोती ने दो अंडे दिए। आज की ताजा खबर पाकिस्तान में अमन शुरू हो गया। और लिखे आज की ताजा खबर के जहां भी जाओ देख कर जाओ। मैं तो भर गया मैं गया। मारो तालियां। दो बच्चे ऐसे नवी आइटम फिलहाल दो आइटम नवी बनाया
सुनो गाने आवाजा मारिया बुलाया कई बार मैं किसे ने मेरी गल ना सुनी ओ आवाजा मारिया सारे कहंदे ने हुक्म सरकार दा दिल ना तोड़िए किसे भी बीमार दा तन्नू पता नहीं सी बच्चे कार भुखे बैठे तू गाने गा रहे मेरी गल ते सुन मैं तू ते पेके ते गई सी तन्नू नहीं पता सी कार बच्चे भुखे बैठे तू गाने से गा रहे बस गलती हो गई जी माफी दे दियो बेगम साहब आज तो बाद मैं गाने कोई नहीं गाने मैं काम ते जावांगा कमा के ले आवांगा तेनू भी खुआवांगा बच्चियां नू भी खुआवांगा फिर ठीक है चलो ठीक है तो फिर ठीक है हाँ क्या लो बच्चे हो सब तो पहले आइटम हूँ तो आगे सामने आने लगी की रे मैं पहने कोशिश को नहीं हो जाते वीडियो बना पतंग उड़ रही है मेरी पतंग कटी गई मैंने पतंग लगा के दे मेरी पतंग कटी गई मैंने पतंग लगा के दे अम्मी लो जी बच्चों ए वो पखा है जेड़ा सड़िया होंदा है ते चलदा किस तरह है जरा गौर करो गड़ 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 दिखदा ही ए बल्ब है जेड़ा रात नु असि बालने आ देखो किन्ने गुस्से च बलदा ते किवें बलदा चलो सीधा जागदा है नशीदे बच्चे भी जेड़े पिंड दे ना ए बड़ा तंग कर दे पर की करिए यार इन्हां बच्चियां नू अकल नहीं आ रही इन्हां दे मां प्यो पता नहीं समझांदे क्यों नहीं कोई मेनू छोटा कहंदा कोई मेनू कोटू कहंदा कोई मेनू गाला कढ़दा कोई मेनू प्यार करदा यार मैं जिंज दा भी बना मेनू अल्लाह पाक ने बनाया अल्लाह दे काम विच असीं दखल अंदाजी नहीं दे सकते अल्लाह जिन्नू चाहे वड्डियां बना देवे जिन्नू चाहे छोटियां बना देवे ते तुहानू रब दा नां जे यार मां प्यो नाल जरूर प्यार करना क्योंकि उन्हां नू पुछो जिन्हां दे सिर ते मां प्यो नहीं हैगा जिन्हां दे सिर ते मां प्यो नहीं ना हैगा उन्हां दा कोई भी नहीं जे हुंदा यार ते तुसी मां प्यो नाराज ना करना उन्हां दे नाल प्यार रखना हैं प्यार करोगे ना मां प्यो नाल सनाते पप्पर शेर ते उन्हां नाल ही बहारा ने क्यों सियाणे कहंदे ने कि तुहाडे कोल लखां करोड़ां अरबां रुपये हैगे ने तुसी अज नहीं कर सकते उन्नी देर तक जिनी देर तक उतो मंजूरी नहीं होंगी तुसी अज फिर भी कर सकते हो सवेरे सवेरे उठ के मां प्यो का चेहरा वेखो
चल सीतिया सेठ को रिश्ता मांग, पुत्र जवान हो गया सेठ को रिश्ता मांग ला जा। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। तू कौन है? मैं जी अमर का प्यो हाँ। अमर? अमर कौन? पापा वो मेरा क्लास फेलो है। अच्छा बेटा तुम अंदर जाओ। अच्छा बोलो फल फंगा गंदी नाली का कीड़ा, तुम्हारा बेटा जिसने हमारी भोली भाली बेटी को वर्ग लाने की कोशिश की? सेठ साहब ना ही तो मेरा बेटा लफंगा ना ही मेरा बेटा गंदी नाली का कीड़ा, उसका कसूर सिर्फ इतना कि एक गरीब बाप का बेटा और किन्नर बेटी से प्यार करता है। बकवास, किरण कोई मामूली आदमी की बेटी नहीं, सेठ नजमुद्दीन की बेटी है। तुम्हें जितनी भी रकम चाहिए, लाख दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख, मैं अपनी बेटी के सिरका सदका समय कर तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी दौलत पर सेठ नजमुद्दीन साहब। दौलत के नशे में आकर मत किसी गरीब का दिल दुखाना, वरना रोने के लिए तुम्हारे पास आंसू कम पड़ जाएंगे। अगर दौलत पर तुम्हें इतना मान है तो मरते वक्त सेठ साहब इतनी को दौलत साथ ले जाना, सोने रब को देखकर अपनी बख्शिश करवा लेना। चलो सीता तो कर दिता नकार, बस सुकून मारो सो जो, तुम आप वेखी जाएगी जब मुकदर च रिश्ता होएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जाने ही जा। आशीर्वाद ले ले। शबाद लान। सीधा तेरा वहम है, तू लेट सुता ता तेरा वहम है, सो जा, वहम ना करिया कर। अच्छा ये मेनू छेड़दे ने हुण वेखी मैं इन्हां नूं फड़दा किवें। फड़े गए इधर आओ, इधर आओ सारे। सीरियस होए खड़े ने? ओए तुसी छेड़ दे हो मेनू, तुहानू हया कोई नी? तुहाडे मां प्यो ने तुहानू तरीम नी सिखाई? अच्छा मेनू लग गया पता तुसी मेनू क्यों छेड़ दे हो। इहदा मतलब है तुसी पाकिस्तानी नहीं हैगे, जे पाकिस्तानी होंगे ना तो मैनू छेड़ दे, ना ना छेड़ दे मैनू। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਟਮ ਬੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਤੇਰੇ ਆਈਟਮ ਸੁਣ ਆ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਗਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਆ ਨੀਂਦਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪੇ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਸਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਸਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਉਹਦਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਨਕ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਸੋ ਜਾ ਸ਼ੀਟਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੀਟਾ? ਸੌਣ ਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਪਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੀ, ਪੈਸੇ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਾ?
तू टेंशन ना ले, आज तो बाद मैं ऐसा काम लभे है मेनु 20,000 रुपया महीने का लभ रहा है। खाली बैल जानी सही है बैल सकोड़ी तू किधर आई है? अच्छा की खाना पीना है? जेड़ा हाफज नहीं होटल वाला वो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। अच्छा हां जी आओ उन्हें आपा नंबर मिलाने है केड़ी गल है तू किन्ने बंदे हो? पांच बंदे हो? सत कुचावा भेज देवी आ ते मलाई मार के ते विच मैं कहना पिस्ता बदाम पा के आप जी गल सात अठ पे यार चल छड़े ही नहीं दस यार पींदे ने सात को जावा पे की होया आओ चलिए उत्थे कहंदा रोड गई आके चट लवो बिरयानी ना खा कुछ और खा चरगा भी ना खा ओने वेख के तेनू डर जाना भागो आतंकवादी और कुछ खा ले रोटी मंगावा तेरे वास्ते अंज कर अठ को रोटियां कोई अद्धा किलो की कढ़ाई तू हुण कल खा लवी ठीक है लै फिर पढ़ ठीक है बच्चे तुहानू कैसा प्रोग्राम लग्या ये अपने हत्थां दीआं तारियां नाल दसना तो ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू सो मच शुक्रिया अदा मैं करता हूँ सिर्फ रफान साहब का थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें मुझे बुलवाया कोई बात नहीं आपका बड़ा फन है हमें टाइम दिया ठीक है हमारे साथ तावन किया उनका मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ जी आपका बड़ा फन है जी बस दुआओं में याद रखें बड़े भाई हैं जी दुआओं में याद अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे तंदुरुस्ती दे आमीन जी आमीन आमीन जिन्होंने हमें थोड़ा सा इंडिया भी दिखाया आमीन और बच्चों को प्रोग्राम भी हमारे से करवाया और बच्चे भी खुश हैं और फान भाई भी खुश हैं और अल्लाह भी खुश है जी आप और नाज़रीन आप भी खुश हैं कि हमने आपको एक अच्छे नामवर एक्टर की जो आपको वो पैरोडी है वो दिखाई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर अल्लाह हाफिज़।